हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है डायरेक्टिविटी। और अगर मैं बोलूं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर है एंटीना को, तो गलत नहीं होगा। डायरेक्टिविटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर है। तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखनी है और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम देखेंगे पहले डायरेक्टिविटी है क्या, इसकी डेफिनेशंस, डायरेक्टिविटी की डेफिनेशंस को एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद हम डायरेक्टिविटी का रिलेशन देखेंगे बीम एरिया के साथ। और उसके बाद मैं एक और चीज़ बताऊँगी आपको कि अप्रॉक्सीमेट डायरेक्टिविटी होती क्या है। तो ये एक प्लेलिस्ट है, आप पीछे जाइए, आप सारी वीडियोस देख डालिए, क्योंकि बीम एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। अप्रॉक्सीमेट डायरेक्टिविटी के लिए मुझे हाफ पावर बीम विड्थ की रिक्वायरमेंट होगी और मुझे रेडिएशन इंटेंसिटी की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपने अगर ये तीन वीडियोस नहीं देखे हैं तो एटलीस्ट जाइए, ये तीन वीडियोस देखाइए, क्योंकि ये चीज़ें मैं दोबारा डिफाइन नहीं करूँगी इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डायरेक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, डायरेक्टिविटी होता क्या है। नाम से पता लग रहा है डायरेक्टिविटी का कुछ रिलेशन है डायरेक्शन के साथ, ठीक है। जो जितने मोस्टली एंटीना होते हैं वो सब डायरेक्शनल एंटीनाज होते हैं, ठीक है। तो मुझे उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि उसका कितना ज़्यादा डायरेक्शनल नेचर है। जैसे कि अगर मैं आइसोट्रॉपिक एंटीना की बात करूँ, वो बिल्कुल भी डायरेक्शनल नहीं है, मुझे पता है। बट अगर मैं कोई रैंडम एंटीना उठा लेती हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि इसमें डायरेक्शनल करेक्टेरिस्टिक्स कितनी है, तो उसका मेजरमेंट मुझे डायरेक्टिविटी देती है, ठीक है। तो अब डायरेक्टिविटी का सिग्निफिकेंस पता लग चुका होगा कि क्यों हम डायरेक्टिविटी को फाइंड आउट कर रहे हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन किसकी टर्म्स में है, यू की टर्म्स में। यू क्या था, अब रेडिएशन इंटेंसिटी। नहीं देखा है, जाइए देख कर आइए ये वाली वीडियो। तो यू इन द गिवन डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में मुझे डायरेक्टिविटी मेजर करनी है उस डायरेक्शन में देखेंगे हम यू। यू क्या होता था, पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो यू हम देखेंगे उस डायरेक्शन में, उसे डिवाइड कर देंगे एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी से। तो जब हम रेडिएशन इंटेंसिटी इन द गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, ये हमें देता है डायरेक्टिविटी। अब यू इन द गिवन डायरेक्शन को मैं सिंपली यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी को मैं यू नॉट से डिनोट कर रही हूँ। तो डायरेक्टिविटी क्या हो गया, सिंपली यू अपॉन यू नॉट, ठीक है। तो यहां तक तो समझ आ चुका होगा। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। अब मुझे यहां पर एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी निकालना है। एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी मतलब कि मुझे सारे उसके 360 डिग्री एंगल पे देखना है कि क्या क्या रेडिएशन दे रहा है, और 360 डिग्री एंगल पे देखने के बाद मुझे रेडिएशन इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। अगर मेरे को किसी भी नंबर्स का एवरेज निकालना हो, लेट सपोज मेरे पास 1, 2, up to 10 नंबर है, तो ठीक है, मैं क्या करती हूँ इसका एवरेज निकालने के लिए, इनका सम और डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी निकालना है। तो एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी के लिए मैं क्या करूँगी, मैं जो रेडिएशन पावर है उसे सारे सॉलिड एंगल से डिवाइड कर दूंगी। तो 360 डिग्री सॉलिड एंगल से रेडिएशन पावर को डिवाइड करा तो मुझे मिल जाएगा एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी। तो कि मैं क्या बोलूँ इसे, अगर मैं बोलूँ कि एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी आइसोट्रॉपिक एंटीना के रेडिएशन इंटेंसिटी के इक्वल होगा तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आइसोट्रॉपिक एंटीना का रेडिएशन इंटेंसिटी पिछली वीडियो में हम निकाल चुके हैं, ये क्या था, रेडिएशन पावर अपॉन 4 पाई। शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि रेडिएशन पावर डिवाइडेड बाय फुल सॉलिड एंगल। अगर आइसोट्रॉपिक एंटीना है उसके लिए पूरा सॉलिड एंगल क्या होगा, 4 पाई, ठीक है। तो ये ही एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी को हम आइसोट्रॉपिक एंटीना की रेडिएशन इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। चलो अब पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो क्या था, यू अपॉन एवरेज यू। तो यू तो हम एज इट इज ही रखेंगे, इसमें तो कुछ चेंजेस आने नहीं वाले हैं। एवरेज यू को, यू नॉट को हमने पीरियड अपॉन 4 पाई से रिप्लेस कर दिया है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, यू अपॉन पीरियड अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो ये 4 पाई न्यूमरेटर में जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4 पाई यू अपॉन पीरियड। तो ये भी हमारी डायरेक्टिविटी की सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो ये सब केसेस थे कि जब हमें पता था कि किस डायरेक्शन में हमें डायरेक्टिविटी निकालनी है। अगर मेरे पास सिर्फ एक एंटीना प्लेस्ड है और मुझे नहीं पता कि किस डायरेक्शन में डायरेक्टिविटी निकालनी है, तो मैं कौन सी डायरेक्शन को अपनी डायरेक्शन लूँगी,
तो फॉर दैट केस मैं जो मैक्सिमम रेडिएशन हो रही होगी जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में डायरेक्टिविटी फाइंड आउट करूंगी. तो मैं मैक्सिमम रेडिएशन वाली डायरेक्शन को लूंगी, उसे मैं डी मैक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. तो डी मैक्स के लिए मैं क्या कर रही हूँ, न्यूमरेटर में मैं यू मैक्स ले रही हूँ. मैंने कौन सी लोकेशन चूज करी है जहाँ पर रेडिएशन इंटेंसिटी मैक्सिमम वैल्यू दे रही है, और डिवाइड तो हम एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी से ही कर रहे थे. तो यहाँ पर यू नॉट की जगह अगर मैं पी रेड अपॉन 4 पाई करूँ तो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा 4 पाई यू मैक्स अपॉन पी रेड से. अब रेडिएशन पावर कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको. ओके, पी रेड वॉज इंटीग्रेशन यू ओवर साइन थीटा डी फाई, ये था हमारा पी रेड. ठीक है, तो अभी अगर हम u को कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं थीटा और फाई डायरेक्शन में, तो u ले लिया है के नॉट एफ थीटा कॉमा फाई. अब मैं क्या बताने वाली हूँ आपको, रिलेशन ऑफ बीम एरिया एंड डायरेक्टिविटी. तो u है के नॉट एफ थीटा कॉमा फाई. अगर मान लो f को मैं साइन थीटा कॉमा फाई ले लूँ, f थीटा कॉमा फाई क्या है, साइन थीटा, लेट सपोज सिंपली इट इज साइन थीटा, तो u मैक्स की वैल्यू क्या होगी, के नॉट तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो u की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब f थीटा कॉमा फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी हमें u की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 पे जाएगी, तो जब u के नॉट के इक्वल होगा, इन द केस f थीटा इज साइन थीटा, तो हमें u मैक्स मिल जाएगा. तो सिंपली आई कैन डिनोट u मैक्स हमें कब मिलेगा, k नॉट f मैक्स थीटा कॉमा फाई. ठीक है, तो अब मेरे पास u मैक्स है, अब मेरे पास u है, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. डिनोमिनेटर में क्या है, रेडिएशन पावर. सो यहां पर f मैक्स है, न्यूमरेटर में हमारे पास f मैक्स है, तो यहां पर 4 पाई के नॉट एफ मैक्स थीटा कॉमा फाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में रेडिएशन पावर है. सो रेडिएशन पावर को अगर मैं यहाँ पर u को इस टर्म में रिप्लेस कर दूंगी, तो कैसे रिप्लेस करूंगी रेडिएशन पावर को, ठीक है, मैंने क्या करा है, u की जगह u की वैल्यू पुट कर दी है. u की वैल्यू क्या थी, के नॉट एफ थीटा कॉमा फाई. तो अभी हमारे डिनोमिनेटर में क्या है, पीरियड, पीरियड हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो ही हम डिनोमिनेटर में रख देंगे. ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर द एंगल, यहाँ पर हम एंगल्स के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे, थीटा और फाई के ऊपर, के एफ थीटा कॉमा फाई साइन थीटा डी फाई. ओके, एंड दिस इज द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज 4 पाई के नॉट एफ मैक्स थीटा कॉमा फाई. यहाँ से यू मैक्स की वैल्यू पुट करिए बस. अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस के नॉट एफ मैक्स थीटा कॉमा फाई को डिनोमिनेटर में ले जा सकती हूँ, तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, 4 पाई रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये चीज़ तो एज इट इज रहेगी, इसे एज इट इज लिख देती हूँ. ठीक है, अब इस चीज को मैं इसके डिनोमिनेटर में लेकर आ रही हूं. ठीक है, तो अब आप कहेंगे के नॉट से के नॉट को डिवाइड कर दो, और ये चीज इंटीग्रेशन के मैंने अंदर ले ली है. क्यों, क्योंकि के नॉट एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर जा सकता है. अगर मैं f मैक्स थीटा कॉमा फाई की बात करूं, तो f मैक्स थीटा कॉमा फाई भी एक कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट नंबर होएगा. मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट. तो इसको भी हम इंटीग्रेशन के अंदर ले गए, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है इंटीग्रेशन के अंदर, के नॉट एफ थीटा कॉमा फाई डिवाइडेड बाई के नॉट एफ मैक्स थीटा कॉमा फाई. के नॉट एफ थीटा कॉमा फाई क्या था, के नॉट एफ थीटा कॉमा फाई था यू थीटा कॉमा फाई. ठीक है, और के नॉट एफ मैक्स थीटा कॉमा फाई क्या था, वो था यू मैक्स थीटा कॉमा फाई.
ठीक है, अब इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं, यू डिवाइडेड बाय यू मैक्स, रेडिएशन इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी, आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, ये हमें नॉर्मलाइज्ड पावर देता है। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी एन थीटा कॉमा फाई से। तो ये पूरा टर्म, ठीक है, ये पूरा टर्म हमें दे रहा है पी एन थीटा कॉमा फाई, ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं। पी एन थीटा कॉमा फाइव मल्टीप्लाइड विथ साइन थीटा डी फाइव, क्या है ये? ये पिछली वीडियो में हमने जब बीम एरिया पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ये है बीम एरिया, ठीक है, बीम एरिया होता है ये। तो अगर मेरे को डायरेक्टिविटी की इक्वेशन लिखनी है तो डायरेक्टिविटी कैसे लिख सकती हूँ, फोर पाए अपॉन बीम एरिया। तो सिंपल सा रिलेशनशिप है डायरेक्टिविटी और बीम एरिया के बीच में। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। नाउ अप्रोक्सीमेट डायरेक्टिविटी। अब अप्रोक्सीमेट डायरेक्टिविटी होता क्या है, जब भी हम इस बीम एरिया को रिप्लेस कर देते हैं हाफ पावर बीम विड्थ की टर्म्स में। अब बीम एरिया को मैंने आपको बताया था कि इसका रिलेशन होता है फाई हाफ पावर इंटू थीटा हाफ पावर, ठीक है, बीम एरिया को हम थीटा हाफ पावर इंटू फाई हाफ पावर की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब बीम एरिया ये है तो डायरेक्टिविटी क्या हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टिविटी हो जाएगा फोर पाई अपॉन फाई हाफ पावर मल्टीप्लाइड विथ थीटा हाफ पावर, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्टिविटी। अब आप एक्चुअल डायरेक्टिविटी और अप्रोक्सीमेट डायरेक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं और दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अब ये फोर पाई हमारा स्टी रेडियन में है, अगर मुझे इसे स्क्वायर डिग्री में लेना हो तो 4 पाई होता है 41253 स्क्वायर डिग्री अपॉन फाई हाफ पावर थीटा हाफ पावर। सो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्टिविटी इन द टर्म्स ऑफ स्क्वायर डिग्री। अब जो भी हमारी डायरेक्टिविटी आई है उसे अगर हमें डीबी में निकालना हो तो क्या करेंगे, 10 log 10 ले लेंगे इसका। तो हमने क्या करा है, ये जो डायरेक्टिविटी आई थी इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है, उसका 10 log 10 वैल्यू निकाल ली है, तो ये हमारे को दे देगा डायरेक्टिविटी इन डीबी। तो आई होप आपको डायरेक्टिविटी समझ आ चुकी होगी कि होती क्या है, कैसे निकालते हैं और इसका क्या रिलेशन है बीम एरिया के साथ एंड हाफ पावर बीम विड्थ के साथ। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, लिख दीजिए, मैं ट्राई करूँगी कि जितना जल्दी आपको आंसर कर पाऊँ, या फिर आप मुझे रीच आउट कर लीजिए अगर मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।